हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्रिया आदित्य व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फिर से मैं आ गई हूँ नई ट्रेनिंग के साथ और नई क्लास में, तो बने रहिए, देखते रहिए आज क्या बनाते हैं। और आज थोड़ा सा तबीयत तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि ठंड का मौसम आ गया और जो दर्द हो रहा था, मतलब पैरों चोट चोट लगी थी सबके, वो दर्द उखड़ा है सबके, तो इसीलिए दर्द के साथ साथ थोड़ा सा ट्रेनिंग को स्टार्ट करते। सो गाइज, मेरा पैटर्न क्लीन है और कोन भी रेडी है, तो स्टार्ट करते हैं। सर जी को नमस्कार। जी नमस्कार नमस्ते। तो स्टार्ट करें, आज क्या बनाए? जी। आज बनाइए मॉडर्न डिजाइन और जो कि मॉडर्न विद स्टाइलिश हो। ठीक है, ओके। सबसे पहले आप राउंड सर्कल बनाए, स्मॉल सर्कल थे। यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे दो स्मॉल राउंड सर्कल। सर्कल। आप क्या बोले पहले, बड़ा वाला राउंड सर्कल? हाँ, राउंड सर्कल एक ही होता है, ठीक है, बनाइए। बनाते हैं फटाफट। आप राउंड सर्कल गलत तरीके से नहीं बनाते हो। इस साइड से बनाएंगे? हाँ जी, ये मैं लो, दोनों इन्होंने साइड से ओपनिंग ही बनाऊंगी। गलत कर दी, नहीं ओपनिंग ही नहीं मिटा बना दी। दोनों साइड से दूंगी, इधर से इधर से। ओके, बनाइए। गुड। ठीक है। ठीक है, डॉट डाला करो बाद में। ठीक ठीक है, स्मॉल सर्कल दो। थोड़ा सा पैटर्न को कर देते हैं पीछे। कोई बात। स्मॉल सर्कल दे दिया। फाइन तरीके से बनाना है। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब बनाइए। आप क्या बनाएंगे? फ्लावर, फ्लावर बनाइए। फ्लावर देते हैं यहाँ पर। ये तो आप हार्ट से फ्लावर बना रहे हो, कैसे फ्लावर बनाना? कोई बात नहीं, अब ये बना दो। जब आप नहीं बना रहे हो, पहले आप बोले फ्लावर, फिर बोल रहे हैं कि हार्ट से फ्लावर। ठीक है, कोन को हमेशा क्लीन करते रहें, बार बार बोलना ना ओके, पड़े आपको। ठीक है, अब आप बनाइए इधर, यहां बनाइए डिजाइन एक यहाँ पे क्या चीज सेम सेम बनी? ऐसी एसिट बनाइए। इज यहाँ पर, हाँ इधर से ना। हाँ राउंड सर्कल, आप बनाइए स्मॉल सर्कल। ओके, उसके बाद फ्लावर, हार्ट शेप लेकिन फ्लावर। डिफरेंट, ये नहीं बनाना, ओके, ठीक चेंज करना है। ठीक है, है। हाँ, अब ठीक है, अब आपको ना फ्लावर देना है। मैं कैसे करता हूँ दिखाओ, इधर आप इस तरह से बनाइए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टच करें, ये वो बॉक्स वाले। ओके, हाँ क्लियर, ठीक है। इससे बेटर ये लग रहा है। ओके, बाय। ठीक है, अब आप सुनिए, अब आपको ना ऐसे एक लाइन देनी है, टच करो, पुश करो, ऐसे इस तरह ओके से आपको आउटलाइन देनी है, ओके, यहाँ बनाइए। से बस गलत बनाया। सेंटर में नहीं आया ना? ये यहां तक आनी चाहिए। देखो, जब आप कुछ बनाते हो ना, दोनों को एक मात्रा में लिया करो, ये ना हो कि एक लाइन अलग दिशा में जा रही है, आपकी दूसरी लाइन अलग दिशा में जा रही है। ठीक, क्या कर रहे हो, ये बनेगा नहीं ना इसे। मिटाओ। ठीक है, और मिटाओ। पक्का बना लोगे ना? बना लूंगी। ठीक,
आपके नेल्स इतने गंदे हो रहे हैं? नेल्स नेल आर्ट करवाया था तो उसके वजह से हो रहे हैं। पता नहीं ठीक है क्लास इतने टाइम बाद ले रही कि नेल आर्ट कराने के बाद फिर दोबारा नेल्स उतर भी है। इधर लाओ नहीं मैं बनाऊंगी ना ट्राई बनाओ फर्स्ट वन टच करना ठीक है। अब यहाँ से गलत दे रहे हो फिर यहाँ से आपको इस तरह से लेयर देनी है ऐसे इधर आना ठीक है क्लियर है। अब इन दोनों आउटलाइंस को ना बोल्ड कर दो। किन दोनों आउटलाइंस को? जो ऊपर बनाई है नीचे बनाई है मतलब एक और आउटलाइन दे के बोल्ड करना है। हाँ जी लाइन दो बोल्ड कर दो अंदर से देना अंदर से। अंदर से यहाँ से मिक्स हो जाएगी मिक्स हो गई। आपको अनुभव नहीं होता है कि कितना आपको क्या देना है? टच करो ठीक है थोड़ा फास्ट ना चलाओ बहुत स्लो बनाते हो आप इतने में नींद आ जाए मुझे। एकदम बोल्ड करना है अच्छे से फास्ट ना चलाओ क्विकली फास्ट कर दिया। अब नीचे आउटलाइन बोल्ड करो अंदर से हाँ फास्ट ठीक है बोल्ड करो जल्दी से ये हो गया ठीक है ये हो गया। अब इसके अंदर आप बनाइए चेक कौन सा पहले स्मॉल सर्कल दो जल्दी से इसके अंदर हाँ फटाफट ठीक है ये बना लिए स्मॉल सर्कल अंदर वेरी नाइस। अब इसके अंदर आप बनाइए चेक कौन सा चेक बनाइए जो भी आपको अच्छा लगे जो आपको अच्छे से आता हो। मेरे को तो बॉक्स वाला भी आता है सब आता है। बॉक्स वाला मत बनाना जिगजैग वाला बना दो जिगजैग वाला सबसे अच्छा और सस्ता चेक वही है यहाँ से ले हाँ ये सबसे अच्छा और सबसे अच्छा सबसे सस्ता सबसे बढ़िया वो देखा ना सबसे अच्छा दिखाओ सस्ता दिखाओ बढ़िया दिखाओ तो वही चेक है अच्छा सस्ता और बढ़िया बस आता है इसको अगर फिनिशिंग से बनाओ तो गुड। अब देखो कितने महान प्राणी हैं आप। मैंने क्या कहा अच्छा सस्ता और बढ़िया बस अर्थ अगर अच्छे से बनाओ तो एक भी लाइन आपने ढंग से डाली सारी लाइन इतनी डिमिट डाली है कहीं ज्यादा गैप कहीं कम गैप ऐसे काम होता है। अब लाइन थ्री डालो अब कहाँ से आएगा यहाँ से हाँ एकदम स्ट्रेट जाएगा ऊपर से नीचे तक सीधा यहाँ से यहाँ नहीं नहीं तो अरे भाई यहाँ से यहाँ आएगा सीधा यहाँ से यहाँ पर आएगा। अरे यार थोड़ा कॉमन सेंस नहीं लगाते हो आप ऐसे 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 स्ट्रेट आ गई तो आपने जो स्ट्रेट दी स्ट्रेट ही आएगी okay. कमाल करते हैं आप भी ऐसे आएगा तभी तो अच्छा लगेगा फिनिशिंग से बनाओ थोड़ा गैप देके चलो यार बिल्कुल मिक्स कर दिए आप तो इस तरह से ठीक है। अब देखिए इन दोनों में शेड आएगा शेड करना बाद में पहले कर देंगे तो बेकार हो जाएगा ठीक है।
आप इसके ऊपर ना आउटलाइन अगर आप बनाएंगे तो बना दो, नहीं तो ऐसे अच्छा लग रहा है आउटलाइन मतलब कैसे है मी? फिर डॉट लंबा हो भी दे जाएगा। सकते हैं ना, डॉट भी दे सकते हैं, आउटलाइन बना के स्मॉल कर दो, डॉट दो। तब आएगा फट दे ऐसे ना, थोड़ा गैप देके दिया करो आउटलाइन यार, आप ना बहुत चिपका के देखते हैं। हाँ ये ठीक है, इतना गैप देना होता है। ठीक है। गुड, अब स्मॉल सर्कल दो जल्दी से दोनों तरफ ऊपर नीचे ऐसे। गुड, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके लिए ना आप ये जो खाली दिखाओ मुझे कौन दो, थोड़ा ही खाली खाली हमको लग रहा है, तो आप यहाँ पर इस तरह डॉट से डॉट बना दो जो सब लोग इजीली इसको बना सकें। ठीक है ऐसे, इधर भी डॉट बनाइए। और इसको हाईलाइट करने के लिए इसको बड़ा कर सकते हैं ना थोड़ा सा, नहीं जरूरी नहीं है, सब हाईलाइट लेकिन है, शायद अच्छा लगेगा मेरे मन की को। आंखों से देखो सब हाईलाइट है। नहीं देखूँ, ट्राई करूँ, अरे नहीं भाई, अच्छा लग रहा है। ठीक गुड, आपको अच्छा लग रहा है ना। हाँ गुड, आपको अच्छा लग रहा है तो हमको अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बनाना है। देखिए इधर छोड़ दीजिए, यहाँ पर बनाओ एक, पहले दूसरी कोन लो आप, एक और कोन रखी ना ऊपर दिखाओ, हाँ जी, ये उस है कोन से ना छोटी कोन उससे सेट कर दो ऊपर, फिर कंप्लीट हो इसमें। जाएगा। अच्छा ये है, इससे छोटी को क्योंकि शेड कर दें इसको। सेट करने से कोन खराब हो जाती है। जब भी आप सेट करें, पैटर्न हो या स्क्रीन हो, टच करके करना है। ठीक है, और कोई भी मतलब प्रैक्टिस करने बैठे तो दो कौन तो लेके ही बैठते हाँ दो हैं। कोन तो लेके बैठनी चाहिए, एक कोन से गुजारा नहीं है भाई। अच्छे पैटर्न चाहते हो तो दो कोन लेके बैठिए, नहीं तो आप बनाएंगे कुछ और बनेगा कुछ, चाहेंगे कुछ बनेगा कुछ। ठीक है। ठीक है ना सर। जब आप शेड बनाते हैं तो आउटलाइन डिस्टर्ब ना हो, एक एक लाइन को परफेक्टली ड्रॉ करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है। कीजिए। गुड, अब आप खुद देखो डिफरेंस इन दोनों में कितना अंतर है, इसमें कितना अंतर है। ठीक है, वहाँ बनाइए जल्दी से, एक एक लाइन को प्रॉपर दिया करो पूरा पूरा। गुड, ठीक है, अच्छा लग रहा है फिनिशिंग से। और कौन कौन क्लीन करेगा आपकी? गुड, कोन को जरूर क्लीन किया करें, हर एलिमेंट पे, हर मोमेंट पे, एक एक लेयर को फिनिशिंग से बनाएं। इसी तरह से वो वाला भी होगा। ठीक है, ये करने के बाद अब आप बनाइए डॉट इसी में इन चारों में, यहाँ बीच में पर बीच में। हाँ डॉट, इससे क्या ये हाईलाइट करेगा। ठीक है यहाँ बस, पे नहीं भी नहीं वहाँ नहीं, नहीं। छोड़ दीजिए। अब आपको यहाँ बनाना है डिज़ाइन, तो आप इसके लिए आप यहाँ आउटलाइन बनाएं। ठीक है, राउंड सर्कल दें, स्मॉल सर्कल दें जल्दी से। यहाँ पे आउटलाइन कौन क्लीन कर कौन लेते चेंज कर हैं। लो, चेंज कर ली। चेंज कर लिया मैंने, ठीक। ये हो गया आउटलाइन। अब अब बनाइए राउंड, बोल्ड, पहले बोल्ड भी करना है। अरे बोल्ड बाद में करना, अच्छा पहले ठीक, स्मॉल सर्कल दो उसके ऊपर। इसके ऊपर दे दिया, ये कट है ज्यादा। ज्यादा कट है। ठीक है, अब राउंड सर्कल बनाइए किसके ऊपर? इसके इसी के ऊपर ऊपर। ही, हाँ ये बड़ा वाला ना एकदम सेंटर बनाना। यहाँ पे। हाँ आज डंडा लेके बैठे हैं आपके लिए हम। गुड, ठीक है बस, कौन क्लीन करो। अब क्लीन स्मॉल सर्कल दो उसके ऊपर, चेंज कर दूंगा इसके ऊपर। स्मॉल सर्कल।
दे दिया स्मॉल सर्कल। ठीक है, अब आप बनाइए ये वाला फ्लावर जो याद दिया था। बॉक्स वाला मैंने हाँ बनाया नहीं लेकिन ट्राई करती। ठीक है, क्लीन करो कौन। ठीक है, ढंग से बनाओ। चार आएंगे एक और है ना। पूरा है ना बड़ा साइज। गुड, ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है। हाँ ठीक है, अब आपको यहाँ पर आउटलाइन देनी है इस तरह से, ऐसे ओके ऐसे, इधर भी इधर। ज्यादा बड़ा बनेगा वो आउट लिए है हाँ ना। पहले कौन चेक कर लो सही चल रही है, कौन सही है लाइन टूट जाएगी आपकी। यहाँ से दो थोड़ा उधर, इधर से। हाँ लाइन तो टूटेगी आपकी। गलत जा रहे हो, गलत है, गलत है। और इधर करूँ थोड़ा सा ना नहीं नीचे की तरफ आएगा, वो ऐसे आता ऐसे। आप खुद पहले नापो, एक बार नापो उधर से नापो, आपको ठीक लग रहा है। ये ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा इधर आएगा ये, ये वाला इधर आएगा। मिटाओ उसको, लाइन को नहीं मत ये लो मिटा दिया मैंने। आप लाइए कौन दीजिए इस तरह से। हाँ इतना बड़ा बनेगा। इतना बड़ा ओके okay. बनेगा, ठीक है, काइट की तरह। काइट की तरह। अब यहां से गुड, अब बनाइए इसके ऊपर स्मॉल सर्कल। फर्क ये था, फर्स्ट वाले में आपने ऊपर आउटलाइन देखी, डॉट दिए थे, इसमें जो फर्स्ट लाइन थी इसको ऊपर किया है, जो ऊपर लाइन थी वो नीचे की है। ठीक है, अब इसमें मैं बारीक फिलिंग दे सकती हूँ। इसके अंदर बारीक लीन दोगे, अच्छा रहेगा वो भी। मधुबनी का नहीं आती है, नहीं ओनली राउंड सर्कल। अजीब नहीं लगेगा, पूरे में राउंड सर्कल दोगे आप, बना नहीं लो। आप बनाइए डॉट्स, कहाँ पे डॉट। अच्छा ठीक है गाइस कैसा लग रहा है पैटर्न, और इसको आप बैक पे या फ्रंट पे कहीं भी लगा सकते हैं, अच्छा डिज़ाइन है तो एक लाइक बनता है मैडम के लिए। एक हाँ तो एक ही लाइक बनेगा यार, कमेंट कर सकते हैं आप ही पाँच सब छः। मिला के एक ही लाइक एक लाइक करेंगे हाँ आप एक ही करना और सब मिला कमेंट कर के। देना, ठीक है, इनके लिए। 18,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं उसमें से एक लाइक आएगा। सब्सक्राइबर नहीं है वो, आपके आपका परिवार है, हाँ वही परिवार। यूट्यूब फैमिली। ये होगा एक एक डॉट को फिनिशिंग से बनाओ। ठीक है, अब इसके अंदर अब क्या बनाओगे, इतना बड़ा है तो कुछ बढ़िया लगना चाहिए बनाओगे तो। ठीक है, बारीक फिलिंग दे दो, बारीक फिलिंग दे दो। ना अच्छा लगे तो। तो चेक बना दो या मधुबनी बना दो उसके, बढ़िया है इसके अंदर। देखो मेन पता क्या है, ये जो है ना ये आपका सेंटर पॉइंट है, चाहे बैक पे लगे या फ्रंट पे लगे, तो ये हाईलाइट करेगा तभी जब इसके में कुछ अच्छा बनाओगे आप। ठीक ओके है, समझ नहीं गई। आता बनाना आपको, नहीं बनाते क्या हैं बनाओगे, मधुबनी बनाते हैं इसे बनाओ खरगोश का बच्चा, आपने बना खरगोश का अच्छा बनाओ मधुबनी में बनाओ, लो मुझे दो मैं बनाता हूँ इसके अंदर हाईलाइट करने के लिए ना, इस तरह से।
टच करें, पुश करें, कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ लेयर टच करें, पुश करें, ये बनाया एक लेयर, क्लियर है। अब यहाँ पर टच करना है, पुश करना है इस तरह से, कोई नहीं, मैं समझ गया, समझ गया, इधर से ही आपको बनाना है, बनाओ। ठीक है, ये बीच में हाईलाइट करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर दे दो स्मॉल सर्कल, बारीक फिलिंग से भर दो पूरा इसको, स्मॉल सर्कल चारों तरफ से। अच्छा, फिर इसे भरना है, बोल्ड करना है? नहीं, तो बारीक फिलिंग से भर दो ना। हाँ भाई, मैं वहाँ तो इसके अंदर फटाफट से पहले फिलिंग कर लो। वाह, वेरी नाइस, ये कितना सुंदर लग रहा है। इसी प्रकार से गाइस, आपको भी फिनिशिंग से ड्रॉ करना है, एक एक लाइन को, एक एक लेयर को और एक एक राउंड सर्कल को। जितना सुंदर मैम ने बनाया है गाइस, इतना ही सुंदर आपको भी बनाना है। सोचिए गाइस, मैम को बिगनर से, एक जीरो से हीरो बना रहा हूँ, तो आपको भी बना सकता हूँ, ठीक है। मेहनत करें निरंतर। अब क्या करेंगे मैम? फिंगर इसमें, हाँ, एक सिंगल फिंगर दे दो, ठीक है। अब यहाँ पर आप बनाइए इस तरह से, एक आउटलाइन बना दो, दो आउटलाइन नहीं, तीन आउटलाइन बनाओ, ठीक है। थ्री, हाँ जी, दो को ज्वाइंट कर देना, बोल्ड हो जाएंगी। ओके, एक समझ गए, समझ गए, ठीक। वन टू थ्री, दो को बोल्ड कर देते हैं, कौन को कौन क्लीन करेगा? ओके, ठीक है। स्मॉल सर्कल दो बार जल्दी से, यहाँ 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 दीजिए ना, दो बार यहाँ पर ना। हाँ, फटाफट दे देते हैं स्मॉल सर्कल, आज कौन भी रो रहा है मेरा, क्लीन करते हैं ना, नहीं रोएगा, हो गया, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर इसको कर दो बोल्ड, यहाँ आउटलाइन दो नीचे इसको ना। हाँ, आज बहुत मेहनत वाला पैटर्न बन गया है जी, आपकी मेहनत को हमारा नमस्कार है। ये हो गया, ठीक है। आउटलाइन दीजिए, एक आउटलाइन टूट जाएगी, कौन क्लीन किया करो, डंडा उठाऊं क्या अपना, आउटलाइन हो गया, ठीक है। स्मॉल सर्कल जल्दी से इसके ऊपर, हाँ, ओके, ऊपर नहीं, नीचे क्लीन किया करो मैम, कौन को क्लीन किया करो, क्लीन किया मैंने ये, आप बहुत गलत तरीके से क्लीन करते हो, पता है कौन को, आप कौन को इतना लंबा क्लीन करते हो, पतला करते हो कौन को, कौन को चारों तरफ से क्लीन करना होता है। अच्छा, आप एक ही साइड में बस खींचते रहते हो ऐसे, हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या बनाओगे? यहाँ बनाइए डॉट वाला चेक। अच्छा, सिंपल पूरे में ना, हाँ बस, और दोनों तरफ से वो भी आएगा स्मॉल सर्कल, कुछ नहीं आएगा, सिंपल बस डॉट चेक दे दें जी। बहुत ही सुंदर लग रहा है लेकिन डिजाइन गाइस, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं पूरा डिजाइन, और लाइक जरूर बनता है यार, लाइक कर देना, क्योंकि मैम कहती है लाइक कोई नहीं करता, लाइक नहीं किया तभी तो मैंने इतना हैवी पैटर्न बना दिया। अच्छा, देख नहीं रहते सब, कौन तो क्लीन करो, टूट रही लाइन, गुड, कौन को क्लीन करते रहे, नहीं तो मेरी तरह डांट पड़ती रहेगी। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब बढ़िया से बनाना है कि बॉक्स को फिनिशिंग से, यस, मजेदार तरीके से, ओके, फटाफट दे देते हैं। ओहो, जैसे आपने ये लाइन दी है ना, इसी तरह से एक लाइन को आराम से बनाना, तो उसको हम फास्ट करते हैं। सो गाइस, इस तरह से ये डॉट डालने हैं। अब जो ये जगह बची हुई है, इसको आप कर दीजिए बोल्ड, ठीक है। हाँ, ठीक
ये सिंगल फिंगर में देना, और बाकी अगर आपको फिंगर बनानी है तो आप छोटी छोटी फिंगर बना सकते हैं, राउंड सर्कल देके दो बार स्मॉल सर्कल दीजिए, एक राउंड सर्कल दे देना, लेयर बना देना ठीक है, या फिर तीन राउंड सर्कल इधर, दो इधर, एक इधर, इस टाइप से पूरा बन जाएगा। सो गाइस पैटर्न कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और मैंने बहुत मेहनत किया आज भाई, बहुत ही ज्यादा ही मेहनत कर दिया मुझे लग रहा है, क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे थे और आप लोग को शायद छोटा मोटा पैटर्न देख के इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए पता नहीं क्या, तो मैंने थोड़ा सा हैवी पैटर्न स्टाइलिश पैटर्न दिया है, इसलिए दिया है न्यू गर्ल्स, डंडा रखा था मेरे पास न्यू गर्ल्स हैं उनको, मतलब उनके हाथ पे ये लगेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। तो प्लीज गाइस कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना। तो कल मिलते हैं नए क्लास में और नए दिन की शुरुआत से। ओके बाय, टेक केयर।